73 पार्षदों के खाते में पहुंचा 2 महीने का मानदेय। तकनीकी गड़बड़ी के कारण महापौर और 6 पार्षदों का मानदेय अभी भी अटका। 3 महीने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार करीब 73 नव निर्वाचित पार्षदों को मानदेय का भुगतान गुरुवार की शाम को कर दिया गया। हालांकि अभी भी 6 पार्षदों सहित महापौर के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक बैंक खाते में गड़बड़ी आने के साथ ही IFC कोड का मिलान न होने पर मानदेय अटक गया है। बहरहाल अन्य पार्षदों के खाते में मानदेय पहुंचने के बाद पार्षदों के चेहरे खेल उठे हैं। नव निर्वाचित पार्षदों और निगम अध्यक्ष को 2 महीने का मानदेय के साथ बैठक के भत्तों का भी भुगतान कर दिया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने बताया 79 में से 73 वार्ड पार्षदों के बैंक खातों में मानदेय का भुगतान कर दिया गया है, जबकि महापौर और 6 पार्षदों के बैंक खाते में अभी मानदेय नहीं पहुँचा है। इसमें कुछ के खातों में तकनीकी समस्या आ रही है, जिसे दूर कर मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। नगर निगम के पार्षदों के द्वारा लगातार मानदेय भुगतान करने की मांग पूर्व में की जा रही थी, जिस पर नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज को मानदेय को लेकर पार्षदों ने शिकायत भी की थी। वहीं निगम अध्यक्ष ने गंभीरता बरतते हुए निगमायुक्त को मानदेय भुगतान के लिए पत्र भी लिखा था, जिसके बाद स्वीकृति भी दी जा चुकी है, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा था। वहीं देर शाम गुरुवार को 73 वार्ड पार्षदों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।